मुझे छोड़ दो, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं फंसाया जा रहा है, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने किसी का खून नहीं किया। ऐसी क्या बात है शंकर जो तुम इस कैदी को बड़े गौर से देख रहे हो? ये आदमी जो भी क्या है, लगता है निर्दोष है। मैं जानता हूं शंकर के तुम्हारी सोच कभी गलत नहीं हो सकती, मगर कानून इसे फांसी की सजा सुना चुका है। तुम जल्लाद हो, तुम अपना काम करो और कानून को अपना काम करने दो। मेरी आत्मा मुझे लानत भेज रही है, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैंने न जाने कितने निर्दोष लोगों के गले में ये फांसी का फंदा डाला है, बर्दाश्त नहीं होता। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं सीनियर इंस्पेक्टर ढोलकर को कह के इसकी फांसी की सजा रुकवाने की कोशिश करता हूं और असली मुजरिम को पकड़ने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। हेलो, मैं सीनियर इंस्पेक्टर ढोलकर बोल रहा हूँ। तुझा इच्छा मान गया इंस्पेक्टर ढोलकर, मान गया। अब जो अपन बोलता है ना वो सुन खोलकर। क्या खोलकर? कान खोलकर। तुझा इच्छा, तू सारा दिखने में अमृत है लेकिन जितना जहर तेरी बॉडी में है ना उतना इस सागर में पानी भी नहीं है। तुझा इच्छा, वाह 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 इंस्पेक्टर ढोलकर। शिंदे साहब, जोशी को फांसी की सजा हो गई, समझे? मुझे जहरीला बनाने में, बेगुनाहों को फांसी चढ़ाने में आपके मेहरबानी का बहुत बड़ा हाथ है। क्या समझे? आपका और मेरा वही रिश्ता है जो पेड़ और पत्ते का होता है। अबे ओ पाप के पेड़, इसमें मेहरबानी काय की रे? हैं? छिंडे के काले धंधे भी तेरी छांव में चलते हैं ना, तुझा इच्छा। अब देख, उस पुलिस ऑफिसर का मर्डर अपन के राबचे ने किया और तूने जोशी नाम के एक बेगुनाह को फंसा दिया और उसको फांसी की सजा दिलवा दी, हैं? जोशी को तो फांसी की सजा हो गई लेकिन मेरे गले में जो फांसी फंसी है उसका क्या? तेरी खांसी रोकने के लिए, तेरे मुंह में ठोसने के लिए अपन दो पेटी भेज रहा है, लेकिन अपन का एक बात ध्यान से सुन ले, ये जोशी बचना नहीं चाहिए, फांसी के तख्ते पर चढ़ जाना चाहिए। हा? जोशी को फांसी की सजा हो गई शिंदे साहब, अब चिंता मत करो, वो बच नहीं सकता। बिना परमिशन मेरे ऑफिस में आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की इंस्पेक्टर अर्जुन। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है लेकिन अगर मैं ये गलती नहीं करता तो मुझे कैसे पता चलता कि जिस आदमी को मैं आज तक सर बोलता रहा वो किसी जानवर का पैर बनने के भी लायक नहीं। मत बोलो, ये तुम्हारे सीनियर ऑफिसर ना है, अगर इन्होंने मुझसे कंप्लेन कर दी और मैंने होम मिनिस्ट्री को बोल दिया तो तुमने सस्पेंड हो जाओगे। तमीज से बात करो। ए कानून की कमीज में लगे हुए गैर कानूनी बटन, ना तो मैं रिपोर्ट से डरता हूँ ना ही सस्पेंड होने से, लेकिन तुम दोनों डरो उस वक्त से जिस दिन किसी बेगुनाह किया तुम दोनों को खा जाएगी। इंस्पेक्टर अर्जुन, मछली कभी मगरमच्छ को नहीं खाती, मगरमच्छ मछली को खाता है। तुम हमको बेगुनाहों के आहों से डराता है? हम खून के दरिया में तैरने वाला वो राक्षस हूँ जो हजारों बेगुनाहों को उनकी आहों के साथ हजम कर चुका हूँ। अरे मुझ में इतना दम है कि मैं जोशी नाम के बेगुनाह की फांसी रुकवा सकूं। मैं गवर्नर साहब के पास जाऊंगा, मिन्नत करूंगा, जोशी की फांसी में भी एक दिन बाकी है, मैं उसकी फांसी रुकवाने की पूरी कोशिश करूंगा और फिर असली कातिल मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा, याद रखना। नादान है बेचारा, ये नहीं ना जानता कि जब कानून और सियासत मिलते हैं तो जोशी को फांसी जरूर ना होती है। मेरे पिता को फांसी की सजा होने वाली है, कानून ने उनके साथ बहुत नाइंसाफी की है। राहुल, वो बेगुनाह है, उन्होंने किसी का खून नहीं किया। मैं जानता हूँ कि कातिल कोई और ही है। तुम्हारे अर्जुन भैया तो इंस्पेक्टर है ना,
वो कुछ नहीं कर सकते। कर रहे हैं, मेरे अर्जुन भैया पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो खुद कलेक्टर साहब के पास गए हैं ताकि तुम्हारे पिताजी को फांसी ना हो, और वो खुद भी नहीं चाहते कि किसी बेगुनाह को फांसी हो। मैं बेगुनाह हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। गवर्नर साहब ने जोशी की फांसी रोकने के ऑर्डर दे दी। फांसी नहीं होगी, उसको तो मैंने खत्म कर दिया। उस निर्दोष को तो मैंने मार डाला अर्जुन सिंह। क्या जोशी को फांसी दे दी गई? ओह नो! आज के बाद मैं थूकता हूं इस पेशे पर। कुछ भी नहीं कर सके तुम्हारे भैया, उन गुंडों, पुलिस और कानून ने मेरे पिता को फांसी पर चढ़ा दिया, पर मैं भी उन्हें जीने नहीं दूंगी चैन से। मैं उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करूंगी, वो भी बच नहीं पाएंगे। रो मत रश्मि, रो मत। तुम देखना, मेरे भैया एक ना एक दिन उन सब की साजिश का भांडा फोड़ देंगे, उन गुनहगारों को खून के आंसू रोने पे मजबूर कर देंगे जो कानून की बेबसी पर जी भर कर हंस रहे हैं। बड़ी मशहूर कहावत है, किसी वाली बिल्ली खंबा नोचे। कौन सी बिल्ली और किसका ना खंबा नोच रही है भैया? वही इंस्पेक्टर अर्जुन, जोशी को फांसी की सजा होने के बाद भी उसे बेगुनाह साबित करने पे तुला है। लेकिन मैंने ऐसा चक्कर चलाया, उसे इस केस की फाइल बंद करनी ही पड़ी। आपकी तारीफ। मैं उस बेगुनाह जोशी की बेटी हूँ जिसको तुम लोगों ने गुनहगार बनाकर फांसी पर चढ़ा डाला। उस बात को कई ना महीने हो गए हैं, अब तक तो उसकी राख भी गंगा में बह न गई होगी। राख तो बह जाती है, मगर वो आग कभी नहीं बुझती जो एक बाप के मरने पे बेटी के सीने में लगती है, और वो आग उन लोगों को जला डालती है जो समाज, इंसाफ और कानून के गुनहगार होते हैं। अरे लड़की, मैं इस पुलिस स्टेशन का सीनियर इंस्पेक्टर हूँ, मेरे सामने लाइटर बनकर मुझे जलाने की बात कर रही है? चुकरिया, देखती नहीं ना है कितना लंबा चौड़ा है? इका एक ठोप फला दी हाथ पड़ गया ना तो तुम ऐसे पिचक जाओगी जैसे मार खाने के बाद मक्खी दीवार से चिपक न जाती है। सबसे बड़ा कानून का हाथ होता है, मुजरिम चाहे कितना भी लंबा चौड़ा क्यों ना हो, जब उसकी गर्दन पे कानून का हाथ पड़ता है ना, तो वो रेस के उस लंगड़े घोड़े की तरह तड़पता है जिसको गोली मारने का फैसला हो चुका होता है। क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही हो? चली जा, उससे टकराओगे तो कोड़ की मरीज की तरह खुजा खुजा कर मर जाओगे। मैं मुर्दे उखाड़ने नहीं आई हूँ, मैं उन लोगों को जिंदा गाड़ने आई हूँ जिन लोगों के हाथ मेरे बाप के खून से रंगे हैं, और एक एक करके
वो सब मरेंगे। और तुम लोग याद रखना, मैंने सबूत इकट्ठे करना शुरू कर दिया है। अरे यार ढोलकर, ये छुकरिया तो बहुत ना खतरनाक ना निकली, बहुत टेंशनिया है, बतिया रहना होगा। बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रही थी सुसरी। बढ़ने दे, चढ़ने दे, ऐसा ढाव मारूंगा तो ऊपर से फिसल कर गिरेगी और मुझे मारने से पहले खुद मरेगी। अच्छा हुआ आपने ये नौकरी छोड़ दी, इस पेशे से मुझे भी बहुत नफरत थी। मुझे भी बहुत नफरत थी कमला। मगर भैया एक सवाल और उठ खड़ा हो गया है। कैसा सवाल? आपने नौकरी छोड़ दी है तो पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो घर कैसे चलेगा? अरे पैसे की फिक्र है हमारी बहन को। अरे तेरा भाई इतना हट्टा कट्टा है, इतनी बड़ी दुनिया में नौकरी नहीं मिलेगी मुझे। नमस्ते नमस्ते सेठ जी। जनाब नौकरी मिलेगी मुझे? इससे पहले कहीं काम किया है? जी हाँ, मैं इससे पहले जल्लाद था। इतने खतरनाक आदमी को मैं काम पर नहीं रख सकता। जल्लाद बुरा आदमी तो नहीं होता। तुम तो शक्ल से ही डाकू लग रहे हो। तुम्हें काम पर रख लिया, तिजोरी तो मेरी तुम साफ करोगे करोगे, मेरा गला दबाकर मार भी डालोगे। तो साहब नौकरी देने है तो दो ज्यादा बकवास नहीं करना। तुम यहाँ काम मांगने हो या दादागिरी करने आयो? गला दबाने से टेटुआ बाहर आ जाता है, जरा भ्रम कैसे। अरे अरे पकड़ो, बचाओ, ये जल्लाद मुझे मार डालेगा। भाभी भाभी कमला संभालो। इतना क्यों खांस रही है? क्या हुआ तेरी भाभी को? इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो डॉक्टर को दिखाना था ना? घर में पैसे कहाँ हैं? अच्छा फिक्र मत कर, मैं कोई इंतजाम करके आता हूँ। मैं आता हूँ कमला। क्या बात है शंकर, क्या बात है, बहुत परेशान हो? क्या बोलूं, नौकरी छोड़ दी है, पैसों की जरूरत है। अगर कुछ पैसों का इंतजाम हो जाता तो पैसे, मैं पैसे तो शंकर नहीं है मेरे पास। अरे हाँ याद आया, शहर से कुछ लोग आए हैं, उन्हें किसी चीज की तलाश है। तुम तो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो, तुम्हें काम करो, उनसे मिलो, उनकी मदद कर दो, तुम्हें कुछ रुपए मिल जाएंगे और तुम्हें किसी से कर्जा मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कौन हो? वो लोग चारों बड़े खतरनाक लोग हैं। उनका नाम है शिंदे, रापचा, टेल्लो और कतरे। मगर मैं उन सबको मारकर उनके सारी दौलत पर मैं कब्जा कर लूंगा। मगर तुमने उनको मारने की कोई प्लानिंग तो बनाई होगी? हाँ, मैंने उन्हें लालच दिया है कि पहाड़ में खजाना छुपा हुआ है। वो चारों अभी लोग पहाड़ों में खजाने की तलाश में भटक रहे होंगे। मैं चला उन्हें ठिकाने लगाने। लगता है रॉबर्ट के बच्चन ने अपन सबको फंसा दिया। पहला ऐसा खजाना ढूंढते ढूंढते अपन की तो यहाँ तो पत्थर ही पत्थर है। ओ शिंदे भाई, खजाना भैंस का गोबर नहीं के इधर मिलेगा उधर में? कातरे संभाल गोबर। लगता है हम लोग के नसीब में ही गोबर है। अरे खजाना तो जमीन के नीचे ही होता है, खोदते खोदते सर के बाल पूरे उखड़ जाते। अरे हमको कितने पैसे की जरूरत थी यार, चांदी का साबुन रगड़ते थे, सोने के पानी से नहाते थे, ये टकले रोबोट ने फंसा दिया हम लोग को। इधर अरे टकला। ए, भाई इधर है, मैं तुम लोग को फंसा के आया है। अरे झूठ बोला था कि खजाना छुपा हुआ है यहाँ पे। अरे तुम लोग को मार के तुम लोग के काले धंधे पे कब्जा करूंगा। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया गद्दार? ओ, अपने से गद्दारी करता है ये, तू हट जा। शंकर भैया ये साहब आपसे मिलने आए हैं। आइए आइए। अरे ये तो उस दिन खदान में मिले थे ना? ठीक पहचाना आपने। शंकर भाई उस दिन आप जो हमारे साथ जंगल में आए उसका 1000 रुपया रखिए। अच्छा वो ठीक है। और वहाँ आके हम सब लोगों की जान बचाई, उसका शिंदे भाई ने शुक्रिया भी बोला और ये 5000 रुपए भी दिए। तो जान बचाने का, जान तो मालिक की है, जब वो चाहे ले लेता है, जब वो चाहे बख्श देता है। ये आप अपने पास रख लीजिए, ये मेरा बनता है, ये मैं रख लेता हूँ। कमाल के आदमी है तो। अच्छा आप एक काम कीजिए, ये शिंदे भाई का कार्ड है, आपको कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, कोई काम हो, आप शहर आना,
शिंदे भाई आपका काम बजा डालेंगे। क्या बात है, जरूर मिलेंगे। चलता शुक्रिया। अच्छा, शुक्रिया। अच्छा भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी गीता की शादी कैसे हो सकती है? क्यों क्यों नहीं हो सकती? क्या बुराई है मेरी बहन में? बुराई गीता में नहीं, हमारी गरीबी में है। मामूली तौर पर भी अगर हम शादी करने जाएं, तो कम से कम 10,000 रुपए खर्च होंगे और घर में सिर्फ 1,000 रुपए हैं। अब आप ही बताइए, गीता की शादी कैसे होगी? मुझे भी कोई नौकरी मिल नहीं रही है ना, मैं क्या करूं? आप एक काम क्यों नहीं करते, वो शहर से आए थे ना जिन्होंने आपको पैसे दिए थे और पता भी दिया था, हाँ, वो क्या नाम? वो शिंदे, शिंदे। हाँ कमला, वो आदमी तो मुझे नेक लगता है, वहाँ चलते हैं, शायद नौकरी मिल जाए। मजा ना शिंदे, करता हूँ काले काले धंधे, जो अपुन के धंधे में फंस गया वो समझो गया। नमस्कार शिंदे साहब। शंकर शंकर आओ 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 आओ। शंकर, गांव से शहर कैसे आना हुआ? कहो क्या काम है? शिंदे साहब, मैंने नौकरी छोड़ दी है। उस दिन आपने फरमाया था अगर कोई काम हो तो चले आना, बस नौकरी की तलाश में आपके पास आया हूँ। क्यों नहीं क्यों नहीं, अरे नौकरी मिलेगी। अरे तूने अपन सबकी जान बचा ली है। ए अबू रपचा, बोल बापचा, इनको 2 नंबर वाले गोदाम में नौकरी दे देना, समझ गया ना? जाओ। नमस्ते शंकर भाई, चल जा ना। ए शिंदे, तेरा दिमाग खराब है क्या? उसको नौकरी दे। क्या हुआ, काय को बीमार नाक की तरह फुंकार रहा है? तू मेरे को नाक बोला, तू जिसको काम पे लगाया वो तेरे को डस लेगा। मेरे को तो उसकी आंखें देखकर डर लगता है, ऐसा लगता है उसकी आंखों में सैकड़ों लाशें तैर रही है मछलियों की तरह, और मछलियों में 2-3 मछलियां हम लोग नजर आ रही है। ए शिंदे, ये सच बोलता है, मेरे को तो वो आदमी जल्लाद लगता है, जल्लाद। तू कौन? टिल्लो। हाँ, झोपड़पट्टी का दादा। और तू कौन? मैं कात्रे, अंडरवर्ल्ड का भाई। मी कौन? मी कौन सांगा, मी कौन? शिंदे, शिंदे। इस शहर का हर सांस अपुन के ऑर्डर पे चलता है, अपुन जागता है तो शहर जागता है, अपुन सोता तो शहर सोता है। अरे तुम लोग क्या जानो आदमी की पहचान? अपुन जानता है। इस आदमी पे अपुन हजारों करोड़ों का विश्वास कर सकता है। टेंशन लेना नहीं अबू रापचा, बिंदास रहना। ये कालिया इधर आ, देख ये शंकर बाबा है, शिंदे साहब का एकदम खास आदमी है, आज से इधर ही काम करेंगे। क्या? ओके। इधर जितना माल आता है, जितना माल जाता है, सबकी चेकिंग इनके ऊपर, समझा? लेके जा शंकर भाई, आप जाके काम देख लो। एक कालिया, एक सेकंड शंकर भाई, एक सेकंड, एक मिनट देख, ये आदमी बहुत डेंजर है, डिंग डोंग किया ना, ईमानदारी की कैप्सूल खाया ना, तू लुड़का डालना, गलत कर डाले। जा ए, छोड़ दे लड़की को। टकले, ये नई नई गुड़िया कौन है रे? लगता है नई नई बस्ती में रहने आई है, तभी तो हमें जानती नहीं। अब जान भी लेगी और पहचान भी लेगी। चल इसे छोड़, अब इसे उठा लेते हैं। आजा। कितनी बुरी तरह से पीटा आपने उस आदमी को, जैसे कोई जल्लाद पीटता है। अगर वो मर जाता तो? अच्छा होता मर जाता, ऐसे गंदे लोग धरती पर बोझ हैं। देखिए, हम इस शहर में नए हैं, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा? शंकर भैया, आपने मेरी बेटी को बचाया, ये बहुत बड़ी मेहरबानी की आपने। इसमें मेहरबानी की क्या बात है, आपकी बेटी हमारी बेटी। अगर उसे कुछ हो जाता उसकी शादी की नहीं होती, मगर अब अगले महीने शादी बड़ी धूमधाम से होगी। मैं भी सोच रहा हूँ कि अपनी पिता बहन की शादी जल्दी जल्दी कर दूँ।
अगर आपको मंजूर हो तो मेरे बेटे के साथ अपनी बहन का रिश्ता कर सकते हैं। शंकर भैया वो फैक्ट्री में काम करता है और चाल चलन का बहुत अच्छा है, और आपकी पत्नी कमला भी उसे जानती है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? पर क्या मेरे पास देने के लिए दहेज नहीं है? मुझे दहेज में सिर्फ शराफत चाहिए जो आपके पास है। आप सचमुच महान है। क्यों कमला? लड़का तो अच्छा है, नेक काम में देरी कैसी? मैं तो कहती हूँ कल ही सगाई कर। जाते हैं।
हाँ क्या हुआ? गिनती 50 जा रही है, वहां रसीद 25 की है। ये क्या चक्कर है भाई? ठीक है, अब ज्यादा शराफत नहीं दिखाने का, जितना कहा गया उतना करने का। ये पैसा रख, उतना काम कर। क्या समझा? ओ, समझ गया। जब अपन जिंदे के साथ बेमानी नहीं करेगा, ये अपना पैसा अपने पास रखो। मन नहीं दिखाना है इधर हमारे को, काम करने का तो कर नहीं तरीका यहाँ से। कंट्रोल, ये तो आपकी ईमानदारी का इम्तिहान ले रहे थे, आप एकदम खड़े उतरे। आप मेरे साथ चलो शिंदे बाबा, आपको क्या इनाम देंगे आप देखना। क्या? इसको बोल दे मैं जल्लाद हूँ, जल्लाद। अच्छा ये सुना ना, आगे नीचे बाबा आप आओ। किसने याद किया है? शंकर खुश हो जाओ, खुश हो जाओ शंकर। आज तुम्हारा खुशी का बहुत बड़ा दिन है, तुम्हारी तनख्वाह 3,000 से 6,000 रुपया हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिंदे साहब। ये कागज आते हैं, इसमें साइन कर दो, यानी कि तुम्हारी नौकरी पक्की। ये पढ़ लो। अजी पढ़ने की क्या जरूरत है? इधर इधर। अर्जुन, अर्जुन, अरे इस शहर में आओ आओ। इंस्पेक्टर, गोदाम की तलाशी लो। अर्जुन, ये सब क्या हो रहा है? मुझे खबर मिली है कि इस गोदाम से हथियार सप्लाई होते हैं। अर्जुन, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है भाई, वो शिंदे साहब तो बहुत ही ईमानदार आदमी है। अभी पता चल जाएगा कि तुम्हारे ये शिंदे साहब कितने अच्छे आदमी है। साहब यहाँ हथियार है। साहब यहाँ पर भी हथियार है। गिरफ्तार कर लो इसे। मुजरिम शंकर सिंह, तुम्हें अपनी सफाइयों कुछ कहना है? ये साहब, मैं उस गोदाम का मालिक नहीं हूँ, नौकर हूँ। कुछ दिन पहले शिंदे साहब गांव आए थे, मुझे परेशान देखकर उन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया और अपने गोदाम में नौकरी दे दी। आप शिंदे साहब को बुलाकर पूछ सकते हैं। शिंदे को हाजिर किया जाए। क्या आप इस आदमी को पहचानते हैं? हाँ साहेब, इसका नाम शंकर है। क्या आपने इसे नौकरी दिलाने के लिए गांव से बुलाया है? नहीं साहेब, आईची शपथ, इसका हमारा मुलाकात इधर शहर में हुआ। क्या कर रहे हैं आप शिंदे साहब? जिस गोदाम में हथियार पकड़े गए, क्या वो गोदाम आता है? हाँ साहेब, वो गोदाम माजा, लेकिन कुछ दिन पहले मैं वो गोदाम शंकर को भाड़े पे दिया। ये देखो, ये कागज आता है एग्रीमेंट के, जिसमें शंकर ने साइन भी किया।
ये मेरे खिलाफ कोई साजिश रची जा रही जैसा। हाँ साहेब, गोदाम दिया लेकिन कभी नहीं देता। अगर पहले मालूम होता, हाँ मेरा साला आतंकवादी है, हथियार सप्लाई करता है ये। तीर तो शंकर तुझे मैं सबक सिखा के रहूंगा शिंदे, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अदालत मुजरिम शंकर को मुलजिम मानते हुए 2 साल कैद बमुशक्कत की सजा देती है। भूल जाना चाहता था कि मैं जल्लाद हूं, अब कभी नहीं भूलूंगा। अपनी अपनी गर्दनें संभाल के रखना। भाई क्या ये क्या कह रहे हैं आप सगाई तोड़ना चाहते हैं? मैं जो कुछ कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। एक मुजरिम भाई की बहन का अपने बेटे का रिश्ता मैं कभी नहीं कर सकता हूँ। ये झूठ है, वो मुजरिम नहीं है, उन्हें फंसाया गया है। आप मेरा यकीन कीजिए। आपकी बात से ज्यादा मैं अदालत के फैसले पर यकीन करता हूँ। मैंने आपसे दहेज में शराफत मांगी थी, मगर आप लोग के पास वो भी नहीं है, इसलिए मैं ये रिश्ता तोड़ता हूँ, समझी? पता नहीं था जमाना इतना पत्थर दिल है। कैसे हो शंकर? अच्छा हूँ अर्जुन सिंह। जिन लोगों ने मुझे फंसाया है मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शंकर ऐसा करके तुम बहुत बड़ी गलती करोगे। अगर तुम इसे गलती समझते हो अर्जुन, तो ऐसी गलती मैं बार बार करूंगा, बार बार करूंगा। तुम कब आए? भदरमा, इस बंदे को इस दुनिया में आए हुए पूरे 22 साल हो चुके हैं। हाँ यहाँ पर आए हुए सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट हुआ है। तुम्हारे और मुझे पता भी नहीं चला। हाँ आपको पता कैसे चलता, आपने अपने पिताजी की गमों की चादर अपने दिलो दिमाग पे जोड़ रखी है। रश्मि, मरने वालों के साथ कोई मर नहीं जाता समझी, और ये जो आंसू ये रोना धोना है ना, इससे इंसान की उम्र घट जाती है समझी। मेरी तरह रहो, हंसो मुस्कुराओ गाओ मस्ती करो। कैसे हंसते हैं? मैं कैसे करता हूँ, मेरे चेहरे पे हमेशा हंसी रहती है ना, और मैं सपने भी बहुत देखता रहता हूँ मालूम तुम्हें। तो कल रात को भी कोई सपना देखा? सपना तो मैंने देखा है। मुझे बता। मैंने देखा कि बहुत तेज बारिश हो रही है, और उस बारिश में हम दोनों भीग रहे हैं भीग रहे हैं भीग रहे हैं। तुम मेरे पास आ गई, मैं तुम्हारे पास आ गया, और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, और तुम मेरे लिए गाने लगी, जादू सा जैसे कोई छा नहीं लगा।
देखना छोड़ो, बहुत देर हो गई है तुम्हें। अरे माय गॉड, मुझे सचमुच बहुत देर हो गई। भैया मेरा घर पे इंतजार कर रहे होंगे और वो ये सोच भी रहे होंगे कि मैं वहां पे अब तक क्यों नहीं पहुंचा। बाय रश्मि, बाय। भाई क्या बात है भाई, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। आप घर पर भी नहीं आए, किसके लिए परेशानी? मैं परेशान हूं अपने दोस्त शंकर के लिए। शंकर भाई कहीं है वो जल्लाद शंकर तो नहीं? हाँ। क्या भाई, आप भाई जल्लाद के लिए परेशान है? राहुल, वो जल्लाद होने के बावजूद भी एक मासूम और बेजुबान इंसान है। किसी को दर्द होता तो तड़प उठता है शंकर। कुछ कमीनों ने उसे झूठे केस में फंसाकर उसे सजा दिलवा दी, और अफसोस की बात तो यह है कि उसे गिरफ्तार करने का काम भी मेरे ही हाथों से हुआ है। भाई भाई माफ कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। आप जैसे वो पुलिस ऑफिसर जो वर्दी पहनने के बाद फर्ज को अपना धर्म समझते हैं, इसी तरह हाथ मलना और पछतावे की आग में जलना, बस यही दो काम रह जाते हैं उनके लिए। तू जानता नहीं राहुल, मैं शंकर को जाकर जेल में मिला था। वो पत्थर इस तरह तोड़ रहा था जैसे अपने दुश्मनों की लाशों के टुकड़े कर रहा हो। उसके खून से भरी आंखें आने वाले तूफान का ऐलान कर रही थी। अरे भाभी नमस्ते। ये गीता कहाँ है? हमारी जिंदगी तबाह कर डाली, इन्हें झूठे इल्जाम में फंसाकर जेल भेज दिया, अब क्या लेने आए हो तुम यहाँ? अरे लेने नहीं आया हूँ, देने आया हूँ। ये ले 10,000 रुपए। जब तक शंकर अंदर रहेगा तेरे को खर्चा पानी मिलता रहेगा, तेरा चूल्हा जलता रहेगा। भगवान जब दुख देता है ना तो सहने की शक्ति भी देता है। हम मजदूरी करके अपना पेट पाल लेंगे, लेकिन तुम्हारी इस पाप की कमाई पर थूकेंगे भी नहीं, समझे तुम? अरे काहे को अकड़ रही है, मैंने अच्छे अच्छों को थूक के चाटते हुए देखा है, बड़ी बड़ी शरीफजादियों को भूख की आग में पिघलते हुए देखा है। पैसा ला सीधे सीधे और घर चला, हमको भी शंकर को जवाब देने का। सुनो, वो लोग और होंगे जो भूख की आग लगते ही पिघल जाते हैं। अरे हम पत्थर है पत्थर, हम भूख खाकर अपना पेट भरते हैं। हम मिट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। ले जाओ तुम्हारे पाप की ये कमाई, जब तुम लोगों के पाप कोर बनकर तुम्हारे शरीर से फूटने लगेंगे ना, तब ये तुम्हारे पाप की कमाई तुम सबके आंसू पोंछने की नाकाम कोशिश में काम आएंगे। दोनों भाभी और ननन वैसे के वैसे ही है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। लोखंडवाला में रहता हूँ, कात्रे मेरा नाम है, जब भी पैसों की जरूरत पड़े ना चली आना मशहूर। निकल जाओ यहाँ से। अरे निकलने के लिए तो आया हूँ, बात कर रही है। नीता, नीता, भाभी, 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 क्या हुआ? भाभी, भाभी, भाभी,
क्या शंकर की पत्नी सीरियस है? मैं अभी शंकर को हॉस्पिटल भेज देता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरी भाभी की जान बचा लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी भाभी को बचा लीजिए। उनका फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके लिए 10,000 रुपए की जरूरत है। आप फौरन पैसों का बंदोबस्त कर दीजिए, मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। 10,000? क्या पता बताया था कात्री ने? कात्री साहब, अरे गीता वहां क्यों खड़ी हो? आओ ना अंदर। क्या हुआ गीता, बहुत परेशान लग रही है? मेरी भाभी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अरे मैं तो उसी दिन पैसे दे रहा था, लेकिन तुम लोगों ने लिए ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हारी मदद करूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे अभी मैंने कुछ किया ही क्या, अभी करूंगा, मदद करूंगा ना। मेरी मदद करो, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या हुआ? भाभी के इलाज के लिए कात्री से रुपए लेने गई थी तो? और उसने मेरे साथ डॉक्टर साहब भैया मैंने जहर खा लिया है। गीता नहीं। शंकर, क्या हो गया था तुम्हारी बहन को? दम तोड़ने से पहले इसने कुछ कहा, कुछ बयान दिया, किसी के खिलाफ कुछ बोला इसने? शंकर बोलो, जवाब दो। शंकर मेरी बात का तुम जवाब क्यों नहीं देते? जवाब दो, पर किसने मारा इसे, क्या हुआ इसके साथ, बोलो। तुम्हारी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, वो तुमसे मिलना चाहती है। कमला कमला इस दुनिया में नहीं रही। सब छोड़ के चले गए मुझे। शिंदे बोलते हैं। शिंदे, हमने शंकर की बीवी का खून न कर दिया है। वाह। पर कात्रे ने उसकी बहन का काम ना तमाम कर दिया है। अरे दूसरा इच्छा। लेकिन तुम उससे सावधान रहना, मत भूलना कि उसकी आंखों में खून न तैर रहा है, और ये भी मत भूलना कि वो जल्लाद है। ओके? अपुन को आज ही पता चला कि वो साला जल्लाद था। ये बाबा भूल गया क्या, कोर्ट में अपने वो कैसी धमकी दिया कि अपने अपनी गर्दन संभाल के रखना हलवा है क्या? मैं तो पहले ही बोला था कि वो अपने को डस लेगा, लेकिन ये शिंदे बहुत बड़ा बाप बनता है ना, मेरी बात को ऐसा उड़ा दिया जैसे नाक पे से मक्खी को उड़ा देते। बावर आप चाको दे, ये खतरा लग रहा है। अपुन का जब पेट में दर्द होता है ना, अपुन केला खाता है, और अपुन के लिए जब कोई खतरा बनता है ना, तो अपुन लाशों का मेला लगाता है। क्यों, उसको खत्म करना है क्या? ये बाबा, उसको पहले जेल से तो बाहर आने दे, क्या कर रहा है? शंकर, तुम्हें अच्छे चाल चलन के बदले 6 महीने पहले रिहा किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शंकर मेरे दोस्त, बुरा वक्त जो था वो टल गया,
हम उसे वापस बुलाकर अच्छा तो नहीं बना सकते, मगर आने वाले वक्त को संवारने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। शंकर, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी की बात की है, कल पुलिस स्टेशन आ जाना, मैं तुम्हें वहां अपने साथ ले जाऊंगा। ठीक है। शिंदे, जल्लाद। शंकर या गले लग जा, जो कुछ हुआ उसे ऐसा भूल जाओ जैसे औरत को तलाक देने के बाद मर्द उसको भूल जाता है। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे है भाई के गले लग, तेरे को सर से पांव तक ऐसा नोट में चिपका डालेगा जैसे झोपड़ पट्टी की दीवार पे फोटो फिल्मों के चिपकाते भावा, कहो ना प्यार है। सोचता क्या है शंकर, हाथ मिला ले मजे में रहेगा। आजा इकड़े आ, शिंदे के साथ मिलकर काले धंधे करेगा, कानून तुझी तरह भाग भी उठा के नहीं देखेगा। इस तरह कानून को धोखा देकर तुम लोगों ने मुझे फंसाया है, उसी तरह कानून को धोखा देकर मैं एक एक करके सबको खत्म कर दूंगा। कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मुझे पुलिस को खबर करनी चाहिए। इस लड़की को मेरे हवाले कर दे। लड़की चाहिए ना तुम्हें? शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, कहाँ रहती हो तुम? यही पास वाली बस्ती में। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जोशी है ना इनका नाम? जी ये मेरे पिताजी हैं। मगर आप इन्हें कैसे जानते हैं? मैं जल्लाद था, मैंने इन्हें फांसी का फंदा पहनाया था, लेकिन ये बहुत ही अच्छे इंसान थे। जी हाँ ये बहुत अच्छे इंसान थे, मगर एक दिन जब वो ऑफिस से घर लौट रहे थे सब क्या है? तुम लोगों ने रास्ता क्यों रोक रखा है? क्योंकि तू शिंदे भाई के रास्ते का कांटा बन रहा है। ये मेरा फर्ज है और मैं अपना फर्ज पूरा करके रहता हूँ।
मैं शिंदे को हवालात की हवा खिला के रहूंगा, समझे? उसे हवालात की हवा खिलाने से पहले तू ऊपर जा, हवा खा। हत्तारे, ये तूने क्या किया खूनी हत्तारे? तुझे क्या तकलीफ है ओ तकदीर के मारे? जलील आदमी, तूने उस ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर को मार डाला। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन। चलता हूँ, चलता हूँ, अभी चलूंगा। या हथियार तो ले लो। ठीक है, अब चल मेरे साथ। बहुत चढ़ता था बापू, देख अभी फांसी पे तू चढ़ेगा। क्या मतलब? इस रिवॉल्वर पर तेरी उंगलियों का निशान है और इसी रिवॉल्वर से वो ऑफिसर मरा है। ये सबूत काफी है तेरे फांसी पे चढ़ने के लिए। अब तो तू फांसी पे चढ़ा। और फिर वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। तब से मैंने ये सोचा कि मेरे पिता के कातिलों से मैं जंग करूंगी और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाऊंगी। रोमत मेरी बहन, आज से जंग में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। उन दुश्मनों का खात्मा करके रहेंगे। शंकर कैसा यार है? अच्छा हूं। मैं जानता हूं कि तू मुझसे नाराज है मेरे दोस्त, मगर क्या करूं, आधुनिक मजबूरियां पीछा नहीं छोड़ती, इससे मिलना नहीं होता। खैर, ये मेरा भाई राहुल। नमस्ते भैया। नमस्ते। अरे हाँ, मैंने तुझे नौकरी के लिए बुलाया था, तू आया क्यों नहीं? अर्जुनो, काम करने को दिल नहीं करता, और फिर काम करना भी किसके लिए है? क्यों? ना बीवी रही और ना बहन रही। ए चंपा, दो दिन से किधर थी रे? हाँ, दिखाई नहीं दे रही किसी यार के पास। ए अनारकली, सलीम के पास जरा दिखा मुंह। अरे मोदी का रे तेरी। मेरी जान। ओ शंकर, इंस्पेक्टर ढोल कर, हेलो हेलो बोल कर, इंस्पेक्टर ढोल कर, आप उनका एक बात सुन कान खोल कर, शंकर ने कातरे को मार डाला है और तेरा इंस्पेक्टर अर्जुन बोलता है कि शंकर ने खून नहीं किया है, वो बचना नहीं मांगता, झूठ बोलता, तचा इच्छा। इंस्पेक्टर अर्जुन के पर निकला है, कुछ ज्यादा ही बोलता है। पर काट, ट्रांसफर कर, जास्ती टेंशन देता है तो नौकरी से निकाल। उसकी बीमारी का एक ही इलाज है। कर कर इलाज कर, नौकर कर, नहीं करेगा तो आप उन तेरा वाद कर देगा क्या? हाँ हाँ करूंगा, उसका इलाज तो मैं बराबर करूंगा, वो भी खा पी के। उठ बे, ए डिसोजा आपका निकल चल, मैं तो मार मार के तेरे को इतना सस्ता बनाऊंगा ना, तेरे को फोकट में भी कोई खरीदेगा नहीं, चल आपका निकल चल। साहब क्या बोल रहे हैं आप, कल ही तो हफ्ता लेके गए हैं आप। मैं इंस्पेक्टर ढोलकर, मैं झूठ बोलूंगा? चल झोल झाल मत कर, नहीं तो होटल में तोड़फोड़ कर दूंगा। चल साहब, तोड़फोड़ नहीं करना, आप अपना हफ्ता ले जाइए। सीनियर इंस्पेक्टर ढोलकर, अब मैं तेरे खिलाफ बोलकर अदालत में तेरे सारे पोल खोल कर तुझे नंगा कर दूंगा। इंस्पेक्टर तू इधर क्यों आया, तू जानता है ना मैं कौन हूँ? हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि तू कौन है। अरे तू तो वो कान है जो मजलूमों की आए नहीं, सिर्फ अमीर और गुंडों की आवाजें सुनता है। तेरे हाथ में जो नोट है ना,
इस पर कमिश्नर के साइन है और मेरे लिए काफी सबूत है। चल हवालात में। इंस्पेक्टर, टेबल पे जाना, नौटंक मारना, चकना खाना और घर निकल जाना, क्या मेरे खिलाफ कुछ किया ना तो मैं तेरे को वो जला हुआ चना बनाऊंगा जिसे पीने वाला कभी खाता नहीं, मुंह में आते ही थूक देता है। थूक देता है? हाँ। मैं जलता हुआ चना नहीं, बहुत जलती हुई मशाल हूँ जो तुझ जैसे ढोल को फोड़कर थूक देता है। तू ऐसे नहीं मानेगा? नहीं। अब तुझे तेरे हर गुनाह का हिसाब अदालत में देना होगा। बोलकर को बोलकर पोल खोलने आया था क्या? खुल गया ना तेरा पोल? अर्जुन मर गया। जैसा अपना ये गोडाउन खाली है वैसे अपना ये दुश्मन दुनिया को खाली किया। बोल। अब तो बजा ताले, अब आएगा मजा। राहुल ये तुम क्या कर रहे हो? तो क्या करूं मैं रश्मि, क्या करूं? मेरे अर्जुन भैया की मौत ने मेरे सीने में जो गम की आग लगाई है उसे इस शराब से बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या करूं मैं रश्मि? शराब से आग बुझा रहे हो? पानी से आग बुझाई जाती है, शराब को पी पी कर तो तुम अपने आप को अंदर से जला डालोगे। मैं पागल हो जाऊंगा रश्मि। क्यों? उस दिन तो तुम मुझे खुद समझा रहे थे मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, ज्यादा आंसू बहाने से उम्र कम हो जाती है, समझाया था ना मुझे तुमने? और आज तुम क्या कर रहे हो? पोछ डालो अपने आंसू। तुम्हें पता है तुम्हारे भाई का खून इंस्पेक्टर ढोल करने किया है और ये खबर मैंने शंकर भैया को पहुंचा दी है। इंस्पेक्टर ढोलकर। शंकर यहाँ कैसे आया? इंस्पेक्टर अर्जुन का खून तुमने किया है ना? मैं अर्जुन को मारा है तो जाओ छाती पीट पीट कर दुनिया वालों को बताओ, अदालत में जाके कानून को बताओ। कानून के पास मैं नहीं, कानून के पास तुम जाओगे। हमने कुछ नहीं किया तो हम कानून के पास क्यों जाएंगे? छाती तुम्हारी फटी है ना, जा अपने हाथ से सिलाओ। मैं चाहूं तो अभी इस वक्त तुम्हें खत्म कर सकता हूँ, मगर नहीं, मैं चाहता हूँ तुम खुद जाकर अपने जुर्म का इकबाल करो। तू मेरे को एक बात बता, तू अपने को यहाँ क्यों बुलाया? अरे आज वो शंकर मिला था, तेज धार वाला वस्त्रा लग रहा था, मेरे को मारने का चैलेंज किया उसने। अरे पन तू काय को फिकर करता है यार, मैं अभी जाके शिंदे भाई को बता दूंगा ना। अरे शिंदे क्या करेगा, आज शनिचर है, टोली खा के दरिया के राजा के माफत डोल रहा होगा। अरे तू शौक से टेंशन ले बॉस, मैं अभी अपनी वाली के साथ जाके अभी डोलता, मेरा मतलब है उसके साथ जाके ऐश कर। तू टेंशन ले यार बिंदास। बेटी कहाँ है तू? क्या हुआ माँ जी, आप क्यों रो रही हो? मेरी बेटी सुबह से काम पर गई है, अभी तक नहीं आई बेटा। लेकिन आपकी बेटी को तो मैंने बिल्ला भड़ुए के साथ देखा था, मेरे ख्याल से वो उसे काम के चक्कर में लेके गया होगा। अरे तू परेशान मत हो, अपना राबचा भाई है ना, अपन उसको बोलेगा ना तो तेरे को A1 क्लास का नौकरी देगा। लेकिन मुझे करना क्या होगा? अरे तेरे को कुछ नहीं करना होगा, जो कुछ करेगा अपन का राबचा भाई करेगा। एक काम कर, तू जा उधर उधर बैठ रहा जा। अरे एक नंबर। अबे ओ बिल्ला भड़वे, बोल बोलता है मीठे और काम करता है कड़वे। अरे हुआ क्या रापचा भाई? अरे रापचा भाई की माँ की आँख, मैं तेरे को बोलता मलाई खिला, तू खाली मेरे को कुर्चन पे कुर्चन ही खिलाते जाएगा। तेरे को मालूम है शिंदे भाई ने आप उनको गोली खिला है, तू अपना कुछ कर नहीं तो मैं तेरी कर डालूंगा। अरे वो हिंदा बचे या मुर्दा, तेरे को उससे क्या, तू खाली मेरे को बता छोकरी कहाँ है। रापचा भाई माल अंदर तैयार है। अंदर तैयार है तो मैं चला। मेरी बेटी तू कहाँ चली गई मुझे छोड़कर,
मैं कैसे जीऊँ तेरे बिना? हाय मेरे बच्चे तो मुझे किसके सहारे छोड़कर चले गए। ये क्या हो गया? ये सब कैसे हुआ? ये सुबह काम की तलाश में घर से निकल गई थी और रात को इसकी लाश मिल गई। किसने किया ये? इसका खून जरूर बिल्ला भड़वा ने किया होगा। बिल्ला भड़वा। यहाँ बिल्ला कौन है? कौन बिल्ला? बिल्ला भड़वा। मेरा ही नाम बिल्ला है। क्या काम है? काम? छोड़ूंगा तुझे। अरे बाप रे बाप रे, अरे कात रे, क्यों छोड़ दिया मेरा साथ रे, तुझा रे कात रे। रे वो मर गया शिंदे, मर गया यार। कितने लोग का मातम करेगा सीना पीट पीट के। हेलो शिंदे को फोन दो। कौन? शिंदे भाई, वो छाती पीट पीट के कातरे का चौथा मना रहा है। अब न जाने किस किस का चौथा मनाना पड़ेगा। जल्दी से फोन दो उसे। एक मिनट, किसका फोन है? दे वो जल्लाद शंकर का फोन है। कौन बोल रहा है? बोल। तेरा बाप। मैं शंकर बोल रहा हूँ। ऐसा बोल, कान में खुजली होती है। अरे तेरी माफिया की हुकूमत की बुनियाद हिल गई है और तेरी है जुर्म की इमारत गिरने वाली है। जल्दी। तू किसकी बात कर रहा है? मैं बिल्ला भड़वे की बात कर रहा हूँ। वो भी मर गया है, कफन का इंतजार कर रहा है। उसकी लाश उसके घर पे पड़ी है, ले जाने तो सड़ जाएगी। अपुन तेरे को छोड़ेगा नहीं। शंकर, तू जल्लाद अपने आप को फौलाद समझता है? अरे अपुन के आदमी को मार के खुद को खुदा समझता है? खुदा के बेगुनाह बंदों को फंसाना तुम्हारा पेशा है। तुम जैसो को इस सफरस्ती से मिटाना ये जल्लाद का पेशा है। ए शंकर, तू कपड़ा है कपड़ा, हम लोग कैंची है कैंची। काटते चले जाएंगे ना तो पता ही नहीं चलेगा, मालूम पड़ा धोती का रुमाल हो गया और गागरे का बिला। और जिस दिन ये कपड़ा तुम्हारा कफन बन गया उस दिन तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। शिंदे बंद कर अपने धंधे, चौपाटी पे जा, तेल मालिश कर या बूट पॉलिश कर। कपड़े अपुन के झूठी शराब पीने वाला अपन को ही दे रहा है धमकी? धमकी नहीं, करके दिखाऊंगा। तेरे हर गाले में ताला लगाऊंगा। 6 महीने हुए, अभी तक हफ्ता नहीं मिला। अभी इलेक्शन के टाइम में चंदा तो ऐसे मांगने आता है जैसे बाप दादा का खजाना हम लोग के पास छोड़ के गया था। आंखें क्या दिखाते? आंखें नीचू कर, आंखें नीचू। मैं तो सिर्फ आंखें दिखाई हैं। लॉकअप में बंद करके वो जलवे दिखाऊंगा, आंखें मुंह कान वान और वो सब फट जाएगा। तेरी तरह से सुन ले, यहाँ से सीधा फूट ले। और अगर तूने हफ्ता मांगा ना तो अपुन तेरे घर में घुसकर तेरे को हफ्ता भर मारेगा क्या? और मेरा नाम मालूम है? रापचा है रापचा। इसे कोने में लिया के गपचाऊंगा ना कि सीधा कब्रिस्तान में घुसेंगे और मुर्दे लोग से जिंदगी की भीख मांगेगा। मान ले मेरी बात, तुम लोग के हाथ में भीख का कटोरा नहीं दिया ना तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर डोल कर नहीं। ये मत भूलो कि जोशी की बेटी अब तक जिंदा है, वही जोशी जिसको हमने फांसी दिलाई, जो बेगुनाह था। उसके मर्डर की फाइल फिर खुलेगी। और ये भी मत भूलो, अर्जुन सिंह का कत्ल आपके कहने पे किया था। मत भूलो, हफ्ता
अरे रश्मि, कहाँ से आ रही हो तुम? मैं शिंदे के गोदाम से आ रही हूँ। ओह, शिंदे के यहाँ से। कोई काम की बात पता चली? राहुल, जो मैंने शिंदे और इंस्पेक्टर ढोलकर की सारी बातें सुनी है वो मैंने शंकर भैया को बता तो दी। शंकर भैया अब इंस्पेक्टर ढोलकर को छोड़ेंगे नहीं। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं शंकर बोल रहा हूँ। पता चल गया मुझे कि अर्जुन का कत्ल तुमने किया है और अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू अपने दिन गिन शंकर, आज तो मारा जाएगा क्योंकि तू अकेला है, जबकि मेरे आगे पीछे पुलिस प्रोटेक्शन है। मैं तुझे बिगाड़ना नहीं चाहता, मैं तुझे फाड़ना चाहता हूँ। पुलिस चाहे तुम आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी रख लो, तुम बचोगे नहीं। माफ कर दो शंकर, इंस्पेक्टर अर्जुन को मार के मैंने बहुत बुरा काम कर दिया, अब कोई बुरा काम नहीं करूंगा। अब तू कोई बुरा काम करने के लिए बचेगा तभी ना। इंस्पेक्टर अर्जुन को मार कर जो बुरा काम तूने किया है, इसकी सजा तुझे जो हशर हुआ है देख लिया आपने। चलिए काय शंकर, तूने अपन लोगों को धमकी दी थी ना कि मैं जल्लाद हूँ, अपनी अपनी गर्दन संभाल के रखना। तू क्या समझता था कि हम तेरे डर से कांपने लग जाएंगे? जल्लाद धमकी नहीं देता, वो गले में फांसी का फंदा बन जाता है।
ज्यादा दिन नहीं आ रहा हूँ बाहर में, इस इलाके मुझे ले रो सकेंगी। ए जल्लाद, दिया ना तेरी धमकी का जवाब। अब तू बाहर निकल शंकर, फिर देख हम तेरा ढोलक कैसा बजाते हैं। अरे ढोलक हिजड़े बजाते हैं और मर्द नगाड़ा बजाते हैं, मैं आके तुम सबके नगाड़े बजाऊंगा। शंकर वाह, होता है ऐसा ही ना होता है शंकर, जब एक छोटी सी माचिस की तीली अपने आप को बारूद का ढेर न समझकर पूरी दुनिया में आग लगाने निकलती है ना, तो ऐसा ही ना अंजाम होता है। अब तुम ना जेल में सड़ सड़ के मरोगे, न कोई तुम्हारा चालीसवां मनाएगा न चौथा। तेरी बहन को ना कातरे ने मार डाला और तेरी बीवी को हॉस्पिटल में मैंने इसलिए ना मार दिया ताकि वो पुलिस को कुछ ना बता सके। कमीने, ले जा इसे, तू नहीं बचेगा। हेलो, ये बेवकूफ सा नहीं कौन ना बजा रहा है? इंद्र जी, शंकर जल से भाग गया। कहा? शंकर जेल से भाग गया? अरे बाप, अब कहा होगा, वो तो हमको मारी डालेगा ना। जी हाँ। है? तुम्ही बोलता, चुप साला बुड़बक। अब कहा होगा वही? अरे तुमको नहीं ना पता है, मौत की जो घड़ी होती है वो सबसे ना बुरी घड़ी होती है। इंसान पानी का टूटा हुआ घड़ा हो जाता है जो कभी नहीं खड़ा होता है। वो क्या है कि इससे पहले कि मेरे साथ कोई घटना हो जाए, मैं यहाँ से पटना भाग जाता हूँ, हावड़ा मेल से। ओके, तुम यहीं ना बैठो। बड़ा मर्द बनता था साला, ये तो चूहा निकला। भैया, भैया आप आ गए? मैं आ गया। आप चुप जाइए भैया, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो। चलो देखते हैं कौन है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तुम ये रुको, मैं खोलो। शंकर आया था क्या? जी नहीं, शंकर भैया तो यहाँ नहीं आए। शंकर कभी यहाँ आएगा ना, फौरन भेज देना। आजकल मालूम है ना, इनकाउंटर में गया तो समझो गया, समझ गया? चलो। क्या हुआ भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे रोको नहीं राहुल, मंत्री ने मेरी पत्नी का खून कर दिया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे। गाड़ी रोकना, डब्बा में पहुंचेगा कहा? शंकरवा नहीं ना है, मैं जल्दी छुप जाता हूँ। ए भाई, हाँ, ए भाई, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? अरे पटना जा रही है। भाई तो घबराहट चाहिए, बहुत खराब है, पटना जा रही ना? पटना हमको बचाना, पटना पहुँचाना, पटना 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 में नहीं हो सकती हमारे साथ कोई घना, जाके खाऊंगा। शंकर वाह, हमको माफी दे दो, हमको पटना जाने दो भाई। तुम पटना नहीं, ऊपर जाओगे, जो कुछ तूने किया है उसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। आई चाहो, समझ में नहीं आ रहा कि किस किस का रोना रहूं, कब तक अपने ही आंसू से अपना मुंह धोऊं, साला एक के बाद एक टपक रहा है। आई चाहो
इससे पहले वो शंकर यहाँ आए, मैं पानी में कूदकर जहाज पकड़कर भाग जाता, लेकिन मेरे को तैरना तो आता ही नहीं। भाग गया, भाग गया। कौन भाग गया? अरे टिल्लू टकला शंकर के डर से ऐसा भागा जैसे समुंदर में डुबकी मार के वो जहाज को पकड़ने भाग रहा है यार। वो पानी में कूद कर जहाज पकड़ लेगा और बच जाएगा, और अपन दोनों की लग जाएगी वाट। आयचा हो मेरे भाई के कातिल को मैं छोड़ूंगा नहीं। शंकर भैया गजब हो गया। क्या हुआ? वो टिल्लू टकला हिंदुस्तान छोड़ के भाग रहा है। ओ गॉड, वो भाग के कहीं नहीं जाएगा, वो शंकर से नहीं बचेगा। भागने का बहुत शौक है टकले। शंकर मुझे माफ कर दे, मैं तैरना नहीं आता, मुझे माफ कर दे। आज तू मरेगा। मुझे छोड़ दे शंकर। बस गया टकला। अरे मार डाला, अरे मार डाला, मार डाला, अरे मार डाला। शंकर ने टकला को भी टपका डाला, अरे मार डाला। मेरे को याद आया वो रश्मि। कौन रश्मि? अरे वही जोशी की छोकरी यार, जिसको तूने झूठे इल्जाम में फंसा के फांसी के फंदे में चढ़ा दिया था। वही है ना शंकर की खबरी, वो उसी की वजह से अपने साथियों पे मौत की बिजली गिरी है। खबरी है वो शंकर की। फिर तू ये काम कर। बोल तू, बोल बोल। बम बनकर उस पर गिर जा, जागो। क्या इलामी ये तो? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, यहाँ सब मेरा राज है। डर के समझ मच्छर कभी किसी को मसलता नहीं, और कब्र में दफन मुर्दा कभी अपनी जगह से हिलता नहीं। देखते क्या मुस्टैंडो, पकड़ो मारो, मुझे मारते मुझे। कुत्ते! अरे यार ये शंकर तू जान को आ गया यार, ये मारेगा, मेरे को छोड़ेगा नहीं, ये सब पापों का बदला ले रहा है। चुप चुप यहाँ, अरे यहाँ का जी भूत खाना है यार, ना डॉक्टर है ना मरीज है ना मुर्दा है। इंजेक्शन मौत, मुर्दा रूम, अब मैं मुर्दा बन जाता हूँ शंकर।
चौदह बनने का बहुत शुक्र है। एक और गया। इस जल्लाद ने रापचे को खापचे में लेकर उसका खलास कर दिया। पहला है जा, अब मैं इस जल्लाद को रापचे में लेकर इसका खापचा कर दूंगा। चंदे आ बाहर। आज तो गया शिंदे। शिंदे आखिर जल्लाद को जल्लाद बना ही दिया। माफी मरेगा तू। क्या मारता है धना धन रे, तू सिर्फ जल्लाद ही नहीं, तू है जल्लाद नंबर वन।